हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, मेनली जो पढ़ा था वो पढ़ा था स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन को डिफाइन किया था, उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ा था। स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका? मिक्सचर का। इसके अंदर कोई भी पॉइंट है उसका मिक्सचर निकालने के लिए हम क्या कर, ये वाला फॉर्मूला आया था। एक्चुअल में ये वन पॉइंट की पोजिशन जैसे जैसे इधर उधर होगी तो क्या चेंज होगा आपका एक्स, बाकी सारी वैल्यू चेंज होगी, सेम रहेगी। यानी कि यहाँ पर x की कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ कुछ और, यानी कि इस जगह पे क्या डिफाइन कर रहा है आपका, x ही डिफाइन करेगा आपका, ठीक है। तो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी आपका, वैसे वैसे वॉल्यूम की वैल्यू, स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू जो भी होगा आपका, कम होगी बढ़ेगी जो भी होगी आपकी, वो लिख सकते हो, ठीक है। इसी के हिसाब से हमने h के लिए इक्वेशन लिखी थी, s के लिए और u के लिए, ठीक है। सिमिलरली हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं सबके लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए, एंट्रोपी के लिए, एंथैल्पी के लिए, ठीक है। सारी की सारी इक्वेशन सिमिलर है। चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी एट वेरियस पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पे हम एंथैल्पी पढ़ेंगे, ठीक है। पहला केस, व्हेन पॉइंट इज ऑन सैचुरेटेड वेपर कर्व, सैचुरेटेड वेपर कर्व कौन सी है, ये वाली। सपोज करो ये वन पॉइंट है, यहां पर क्या है आपका, वन पॉइंट है। तो वन पॉइंट है तो एंथैल्पी देखो क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी एंथैल्पी, एच जी, यहां पर क्या होगी, एच जी, ठीक है। इस यानी कि ये जो इतनी एंथैल्पी है ये किसकी वैल्यू दे रहा है, एच जी की वैल्यू, और यहां से यहां तक किसकी वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है आपकी लेटेंट हीट, क्या दे रहा है, ये वैल्यू क्या है, लेटेंट हीट। यहां से इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, लेटेंट हीट। तो एच वन की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एच जी प्लस लेटेंट हीट, एंथैल्पी के फॉर्म में लिख रहे हो, देखो लेटेंट हीट एच, ये H1 माइनस एच जी क्या होता है, लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट ही है। एंथैल्पी को भी H के फॉर्म में ही लिखते हैं हम। H1 क्या है एक्चुअल में, H1 को क्या लिखते हैं हम, HG, ये HF है और वहां पर G आएगा, तो ये F है, HF प्लस लेटेंट हीट। तो H1 क्या है एक्चुअल में, वन जो है पॉइंट वो जी वाली कर्व पे, ये किस पे कर्व है, जी वाली कर्व पे। तो एच जी इज इक्वल टू एच एफ प्लस लेटेंट हीट, ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से नहीं पता चला हमें, लेटेंट हीट इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ, और ये तो हमें पता ही है, इसकी एंथैल्पी माइनस इसकी एंथैल्पी इज इक्वल टू लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ। अब दूसरा, अगर आपका पॉइंट जो है, देखो पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से पॉइंट पे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी पॉइंट्स पे क्यों नहीं पढ़े। सेकंड केस टू है आपका, व्हेन पॉइंट इज इन वेट रीजन, यानी कि सपोज करो ये जो वन पॉइंट है ये यहां पर है, ये वन पॉइंट कहां पे है, यहां पे है, ठीक है, वन पॉइंट यहां पे है। तो वैसे भी यहां के लिए तो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, H1 is equal to किसके इक्वल आएगा, HF, ये एंथैल्पी प्लस ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, X into HG minus HF, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि H1 is equal to HF plus X into HFG,
ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, आपको यही वैल्यू देगी आपको एंथैल्पी की 1 पॉइंट पे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सपोज करो पॉइंट आपका यहां पे है, थर्ड में क्या है, व्हेन पॉइंट इज इन सुपरहीटेड रीजन, सुपरहीटेड अगर रीजन में है तो कांस्टेंट प्रेशर जो कर्व होगी वो यहां पर ऐसे आएगी। ये सपोज करो 1 पॉइंट है, ये कांस्टेंट प्रेशर कर्व है, ठीक है। और यहां पर जो पॉइंट होगा एक्चुअल में ये क्या होगा, जी पॉइंट, यहां पर क्या होगा, ये जी पॉइंट। इसका जो टेम्परेचर होगा, ये 1 पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा इसको लिखेंगे T1। और हमें पता है अगर इसको कांस्टेंट प्रेशर से कूल करके हम यहां पे ले आते हैं तो ये जो पॉइंट होगा इसको क्या बोलते थे, इस टेम्परेचर को टी सेचुरेशन, इस टेम्परेचर को क्या बोलते थे, टी सेचुरेशन। और देखो एक चीज और, यहां तक जो एंथैल्पी है एक्चुअल में ये क्या है, एच जी, और ये 1 पॉइंट पे सपोज करो ये डेल्टा एच है, सपोज करो आगे क्या है, डेल्टा एच है। तो एच वन की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, एच जी प्लस डेल्टा एच, एच जी यहां तक और ये वाली वैल्यू डेल्टा एच, ठीक है। तो ये एंथैल्पी होगी आपकी 1 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे क्या होगी, एच जी प्लस डेल्टा एच। अब देखो सुपर हीटेड रीजन में है ये जो पॉइंट है, एज पॉइंट वन इज इन सुपर हीटेड रीजन, 1 पॉइंट जो है आपका सुपर हीटेड रीजन में है, सो इट कैन बी ट्रीटेड एज आइडियल गैस। वेपर, जब भी वेपर, सिर्फ वेपर होगा और सुपर हीटेड रीजन में होगा तो उसको हम क्या मानेंगे, आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। तो इस जगह डीएच को लिखते हैं हम सीपीडीटी। डीएच जो है कांस्टेंट प्रेशर पे जो एंथैल्पी चेंज क्या होता है, सीपीडीटी। कैपिटल एच अगर लिखता तो मैं एमसीपीडीटी होता, ठीक है। डीएच जो क्या आएगा, सीपीडीटी, ठीक है। डीएच की वैल्यू क्या आएगी, सीपीडीटी। तो यानी कि डेल्टा एच वही डीएच ही है, तो सीपीडीटी डीटी यानी कि इसमें यहां तक ही ये सुपरहीटेड रीजन में है। तो डेल्टा एच की वैल्यू सीपी इंटू टी वन माइनस टी सेचुरेशन, डीटी की वैल्यू क्या है, टी वन माइनस टी सेचुरेशन। तो यानी कि एच वन की जो वैल्यू आई वो आई आपके पास एच जी प्लस सीपी इंटू टी वन माइनस टी सेचुरेशन। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू ये सोच लो आप, ये कितनी है, 5 स्टार है, ठीक है। ये 5 स्टार इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये इक्वेशन बहुत जगह यूज होती है, आरएसी में तो हम बहुत ज्यादा यूज होती है, आरएसी के क्वेश्चन जो होते हैं आपके, उस क्वेश्चंस में ये इक्वेशंस बहुत यूज होती है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं, एच वन क्या आएगा, एच जी ये वाली वैल्यू प्लस ये डेल्टा एच, ठीक है। और ये सुपरहीटेड रीजन में है 1 पॉइंट, तो यहां पर इस जी पॉइंट से लेके 1 पॉइंट तक ये कैसे बिहेव करेगा, आइडियल गैस की तरह, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। तो आइडियल गैस के लिए डीएच इज इक्वल टू सीपीडीटी लिख सकते हैं हम, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है वो, ठीक है। डीएच इज इक्वल टू सीपीडीटी, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, सीपीडीटी का मतलब टी टू मतलब यहां पर क्या है, टी वन माइनस टी सेचुरेशन। बस ये वाली वैल्यू से पुट कर देंगे, ये आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया,
अब मैं फिर से यहां पर आ जाता हूं इस जगह पे। देखो यहां पर जो होगा उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होगा, डायरेक्ट जो वैल्यू आपको दी होगी वही आप यूज करोगे एच की वैल्यू। इस जगह पे क्या होगी एच की वैल्यू डायरेक्टली एच एफ के इक्वल होगी। इस जगह क्या होगी एच एफ के इक्वल। इस जगह हमने देख ली, इस जगह हमने देख ली और इस जगह हमने देख लिया, तो यानी कि यहां पर एच एफ होगा डायरेक्टली और इससे पहले के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है उसको लिए, उसके लिए डायरेक्टली आपको वो वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है सिंपल। अब नेक्स्ट एंथैल्पी की जगह अब हम पढ़ेंगे एंट्रोपी। ठीक है नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एंट्रोपी, एंट्रोपी एट वेरियस पॉइंट्स। जैसे तीन पॉइंट हमने एंथैल्पी के लिए पढ़े थे वैसे ही तीन पॉइंट हम किसके लिए पढ़ेंगे एंट्रोपी के लिए पढ़ेंगे। ठीक है तो सेम वैसे ही केस वन, वन में क्या होगा व्हेन पॉइंट इज ऑन सैचुरेटेड वेपर कर्व, वेपर कर्व के ऊपर अगर यहां पर पॉइंट होगा ये सपोज करो वन पॉइंट है। ठीक है वन पॉइंट है और इस जगह ये टेम्परेचर क्या होता है टी सेचुरेशन टेम्परेचर होता है। ठीक है यहां पर क्या है टी सेचुरेशन, तो इस एंथैल्पी इस एंट्रोपी को हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं ये आपकी क्या है इस पॉइंट पे क्या होगा एफ पॉइंट एस एफ और ये वाली डेल्टा एस, एस एफ प्लस डेल्टा एस यानी कि एस वन की वैल्यू क्या आएगी एस एफ प्लस डेल्टा एस। ठीक है और हमें एक चीज पता है एज डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाय टी, डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाय टी और एफ पॉइंट से लेके इस वन पॉइंट तक हीट कितनी दी है आपने डेल क्यू की वैल्यू क्या है लेटेंट हीट और टी क्या है किस टेम्परेचर पे दी है सेचुरेशन टेम्परेचर पे। ds is equal to del q by t, del q की वैल्यू क्या है यहां से लेके यहां तक आपने कितनी हीट दी है लेटेंट हीट और किस टेम्परेचर पे है ये t सेचुरेशन, बस इसकी जगह ये पुट कर दो तो s1 की वैल्यू क्या आ जाएगी sf plus latent heat divided by t saturation और s1 क्या है एक्चुअल में sg है, ये आप इसको लिख सकते हो ऐसे sg वन पॉइंट पे क्या है एक्चुअल में ये जी पॉइंट है एस जी इज इक्वल टू एस एफ प्लस लेटेंट हीट डिवाइड बाय टी सेचुरेशन या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको इधर लिख दो एस जी माइनस एस एफ इज इक्वल टू लेटेंट हीट डिवाइड बाय टी सेचुरेशन ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है एस जी माइनस एस एफ इज इक्वल टू लेटेंट हीट डिवाइड बाय टी सेचुरेशन और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है थ्री स्टार एस जी माइनस एस एफ को डायरेक्टली लिख सकते हो लेटेंट हीट डिवाइड बाय टी सेचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है थ्री स्टार इक्वेशन है। ठीक है एंट्रोपी वाली सारी की सारी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं सेकेंड पॉइंट कौन सा पॉइंट हमारा When point is in wet region, second किस में पढ़ा था हमने wet region का second point wet region में अगर होगा तो यहां पर अगर one point है आपका यहां पर अगर one point है तो आप इसके लिए वैसे पहले पढ़ चुके हैं equation हम इसके लिए directly लिख सकते हैं कौन सी equation S1 is equal to SF प्लस एक्स इंटू एस जी माइनस एस एफ ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। ठीक है देखो मैं ऐसे कर देता हूं जो मोर इंपॉर्टेंट इक्वेशन है उसको हम ऐसे कर लेते हैं ठीक है
या इसको ऐसे भी लिख सकते हो S1 is equal to SF plus X into SFG, ये तो सेम ही हो गया, ये और ये सेम ही है, ठीक है। तो ये सेकंड का हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला, थर्ड पॉइंट पे जो हम पढ़ेंगे, व्हेन पॉइंट इज, यहां पर थर्ड केस में क्या पढ़ेंगे, व्हेन पॉइंट इज इन सुपरहीटेड रीजन, सुपरहीटेड रीजन, सुपरहीटेड रीजन में होगा तो क्या होगा, सपोज करो यहां पर आपका वन पॉइंट, ठीक है। इसके लिए हम फिर से वही काम करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे ये यहां पर आएगा, इधर इसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा आपका T1, और यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा T सैचुरेशन, सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है। यहां तक ये पॉइंट क्या है, G पॉइंट है, यहां तक जो एंट्रोपी होगी वो होगी आपकी Sg, और ये जो होगी इसको लिख लेते हैं हम डेल्टा S। तो हम यहां पर लिख सकते हैं S1 की वैल्यू जो है वो है Sg प्लस डेल्टा एस, एस जी तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। डेल्टा एस की वैल्यू अब निकालनी है, डेल्टा एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस की वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, क्या है देखो, हमें पता है, हमें पता है पीडीएस इज इक्वल टू डी एच माइनस वीडीपी। TDS क्या होता है, DH माइनस VDP, TDS होता है आपका DH माइनस VDP, ये इक्वेशन आपको याद है, हाँ मुझे भी याद है, ठीक है। तो ये जो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है एक्चुअल में Z पॉइंट से लेके 1 पॉइंट तक, ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, ठीक है, ये वाली आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। तो हम TDS को क्या लिख सकते हैं, DH, क्यों, क्योंकि प्रेशर जो है आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डीपी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, डीपी जीरो हो गया तो ये वैल्यू होगी आपकी जीरो। तो टीडीएस किसके इक्वल है, डीएच के इक्वल, ठीक है, और डीएस जो आया वो आया डीएच बाय टी के इक्वल, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेट करके इसको डायरेक्टली लिखें तो एक्चुअल में यहां पर दो वेरिएबल है, एक इंथाल्पी और एक टेम्परेचर, तो इंटीग्रेट करने से पहले इसका वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। डीएच क्या होता है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो डीएच को क्या लिखेंगे, सीपीडीटी बाय टी, ये टी नीचे वाला, सीपीडीटी बाय टी। तो यानी कि अब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ CP dt by T। अब CP तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, CP बाहर आ गया, dt by T का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ds का इंटीग्रेशन तो सिंपल s हो जाएगा, या s2 minus s1 लिख सकते हो, या इसको ds भी लिख सकते हो, ठीक है, डेल्टा s लिख सकते हो, ds इसका इंटीग्रेशन जो आएगा, मैं ऊपर कर देता हूं यहां से, फिर यहां से हम ऊपर आ जाते हैं, इसको हम लिख लेंगे डेल्टा एस, ये वैल्यू आएगी डेल्टा एस, ये सीपी, ये हो जाएगा एल एन टी, क्या हो जाएगा, एल एन टी, और एक्चुअल में जो दोनों, आप कहां से कहां तक जा रहे हो, चलो इसको लिख लेते हैं हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, इसकी लिमिट भी लिख देते हैं, लिमिट कहां से जा रहा है, ये जी पॉइंट से लेके वन पॉइंट तक, ये भी जी पॉइंट से लेके वन पॉइंट तक, ठीक है। तो डी एस का इंटीग्रेशन एस होगा, और इसकी लिमिट लिखेंगे हम जी पॉइंट से लेके वन पॉइंट तक, इज इक्वल टू सी पी एज इट इज, इसका आएगा एल एन टी, और लिमिट आएगी जी पॉइंट से लेके वन पॉइंट तक, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एस
एस वन पहले ऊपर लिमिट माइनस एस जी, और एस वन यहां पर है और एस जी यहां पर है। एस वन माइनस एस जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस डायरेक्टली। ठीक है, देखो मैं, ये आपका डेल्टा एस है, ये हो जाएगा सीपी एल एन टी वन माइनस एल एन टी जी। ठीक है, टी वन तो ठीक है, वन पे टेम्परेचर टी वन ही है और जी पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है एक्चुअल में, टी सेचुरेशन है। तो यहां पर डेल्टा एस इज इक्वल टू सीपी एल एन टी वन बाय टी सेचुरेशन, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, और टी जी की जगह क्या लिख दिया, टी सेचुरेशन। तो ये जो वैल्यू आई, यही वैल्यू है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, ये वैल्यू क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा एस की। तो एस वन की वैल्यू जो अब आएगी आपके पास, एस वन की वैल्यू क्या आएगी, वन पॉइंट पे निकाल रहे थे तो एस जी प्लस डेल्टा एस थी ना, एस जी प्लस सी पी एल एन टी वन बाय टी सेचुरेशन। यहां पर लिख देता हूं मैं, एस वन इज इक्वल टू एस जी प्लस सी पी एल एन टी वन बाय टी सेचुरेशन। एलन मतलब नेचुरल लॉगरिथम, और ये वाली जो इक्वेशन है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्टार्स बना देते हैं हम इसके ऊपर, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 स्टार इक्वेशन है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन भी आ जाता है, सिंपल है। देखो क्या किया हमने, यहां से स्टार्ट किया हमने, यहां से स्टार्ट किया। टीडीएस क्या होता है, डीएच माइनस वीडीपी। टीडीएस क्या होता है, डीएच माइनस वीडीपी। जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो सिंपल है, एस वन क्या लिखा था, एस वन इज इक्वल टू एस जी प्लस डेल्टा एस, और डेल्टा एस निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं, टीडीएस इज इक्वल टू डीएच माइनस वीडीपी होता है। प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वीडीपी जीरो हो जाएगा, डीपी जीरो हो जाएगा, तो टीडीएस किसके इक्वल हो जाएगा, डीएच के इक्वल। टीडीएस किसके इक्वल हो जाएगा, डीएच के इक्वल। तो डीएस की वैल्यू यहां पर टी उधर जाके नीचे डिवाइड में चला जाएगा। अब इंटीग्रेशन करने के लिए ये वेरिएबल एक ही होना चाहिए, तो डीएच कॉन्स्टेंट, प्रेशर कर्व है तो डीएच को क्या लिख देते हैं, सिंपल सीपी डीटी लिख देंगे, सीपी डीटी बाय टी। अब डीटी बाय टी ये वेरिएबल एक ही हो गया, तो इंटीग्रेशन करोगे जी पॉइंट से लेके वन पॉइंट तक, जी पॉइंट से लेके वन पॉइंट तक। तो डीएस का इंटीग्रेशन ऐसा आ जाएगा, जी से वन इसकी लिमिट रखेंगे, इसका आएगा एल एन टी, जी से वन इसकी लिमिट रखेंगे। तो ये एस वन माइनस एस जी, एस वन माइनस एस जी क्या है, डेल्टा एस है आपका, सीपी एल एन टी, तो एल एन टी वन माइनस एल एन टी जी, टी जी इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, देखो सेचुरेशन टेम्परेचर, टी सेचुरेशन, यानी कि टी वन डिवाइड बाय टी सेचुरेशन हो गया, और एल लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या करते हैं, लॉग ए डिवाइड बाय बी लिखते हैं। तो ये बहुत ईजी है, ये हो गया, ये डेल्टा एस की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, उसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो एस वन की वैल्यू क्या आएगी, एस जी प्लस डेल्टा एस था, डेल्टा एस की जगह ये, यानी कि ये वैल्यू आई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं भी समझ में आई तो आप इसको खुद से करो, 2-3 बार करो इस डेरिवेशन को, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ना मत, डेरिवेशन करो 2-3 बार, अच्छे से समझो, इन चीजों को समझो, इन सारे पॉइंट्स को समझो, लेटेंट हीट कहाँ पे कितनी है, एंट्रोपी आपकी कहाँ पे कितनी है, आपकी एंथैल्पी की वैल्यू कहाँ पे कितनी है, एंट्रोपी की वैल्यू कहाँ पे कितनी है, ये सब चीजें हम आरएसी में यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी भी कुछ चीजें इस चैप्टर में बाकी है जो हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा लेक्चर, और
आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप अपनी फीडबैक जरूर दो अगर समझ में नहीं आया या कहीं कुछ गलती लग रही है। देखो मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है ना, हो सकता है कभी किसी लेक्चर में कहीं पे गलती होगी, अगर आपको लगता है गलत है तो आप मुझसे डिस्कस करो। अगर और भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको समझ में नहीं आया है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, ठीक है। या मैंने आपको अपनी मेल आईडी दी ही थी, मेरी मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलो आज के लिए फिर इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।